आज हम लोग का ब्लॉग का मतलब ट्रिप का लास्ट डे है और राजगीर नालंदा के बाद बोध गया आ गए, अभी जस्ट आए हैं लोग। हेलो ब्रो, यहाँ पे मतलब बोध गया आने के बाद कोई आइडिया नहीं लग रहा था कहाँ घूमना है, क्या करना है, कैसे करना है, बट अभी मतलब एक भैया मिले वही बोले कि घुमा देंगे पूरा, तब तो इतना खर्चा करके आया और फिर कुछ पता नहीं चले तो क्या कर सकते हैं। हम लोग बैठ चुके हैं और उसके बाद निकल गए हैं घूमने पूरे बोध गया। यहाँ पे इधर आठ मंदिर है और वहीं महाबोधि मंदिर से आ रहे हैं हम लोग, वहाँ पे मेन मंदिर है, शायद वहाँ पे मोबाइल वगैरह सब जमा हो जाएगा तो शायद वहाँ का ब्लॉग नहीं दे पाएंगे, बट यहाँ आठ मंदिर है वहाँ आप लोगों को ले चल रहे हैं। अच्छा फॉरेनर लोग अब नहीं आता है क्या? अच्छा ये ऐसा भी तो आगे को लोग का मतलब इंडियन लैंग्वेज तो समझ में आएगा नहीं, तो आप लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं? थोड़ा बहुत तो जाननी पड़ेगी, जानते हैं चाइनीज क्या भाषा जान रहा है ना, चाइनीज या कुछ फेमस भाषा का नाम बताते पवन। अरे पवन 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 यार बताओ, रुक जाओ रुक जाओ। थोड़ा तो जाना अलाउ मोबाइल दूसरा का नहीं देना भाई, बोल देते हैं सब समझा दे दे। ठीक है, अपना जूता चप्पल खेलिएगा गेट पर, अपना दर्शन करके। अरे भैया अभी चलिए ना जी, आपका घुमा देने के नाम लीजिएगा। अच्छा भूटान मंदिर ब्रो, खड़ा यार तो फोटो खींच के ले जाना, तो ले रहेंगे ना यार सब। हम लोग यही बैग वगैरह रख के भूटान मंदिर में एंटर कर रहे हैं। आगे अच्छा भूटान मंदिर, अपने बिहार में बहुत कुछ है भाई जो अभी एक्सप्लोर करना है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जाना है, जल्दी जाना है, बस कैमरा दिखा नहीं तब हंस देंगे, ऐसे क्या यार, आए हो तो घूम लो अच्छे से घूम लो। एक दिन तीन दिन हम लोग रुक गए हैं ब्रो, और एक आज भर से नहीं रुकना है, आज जितना घूम सकते हैं घूम लो, और इसमें क्या है? इधर से भाई एक फोटो तो जरूर क्लिक होगा, फूल तोड़ना मन नहीं, अब फोटो नहीं खींच सकते, पहले पानी उनी पी लिया जाए। यार इतना अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है ना कि मजा ही आ जाए, और इस पे भी कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है, भूटान का है तो हो सकता है उसे रिलेटेड कोई लैंग्वेज हो, वहां पर वो लोग ठंडा पानी पी रहे हैं, तब तक ऊपर चला जाए हम लोग, ऊपर से आके पी लेना पानी। फोटो ब्यूटीफुल मंदिर, और यहाँ लॉर्ड बुद्धा है, यानी कि भगवान बुद्ध है हमारे। भगवान बुद्ध ऐसे ही शांति को प्रतीक, और हम लोग जितना भी भगवान बुद्ध के मंदिर में गए ना हर जगह शांति एकदम ऐसे ही। पहले देख लीजिए फोटो क्लिक कर सकते हैं ना, वीडियो रिकॉर्ड। हाँ ये भूटान का मंदिर था, और भाई जहाँ भी आप जाओगे ना लॉर्ड बुद्धा का जहाँ भी मंदिर रहेगा वहाँ पे हमेशा शांति रहता है, और स्तूप, ये मतलब इन लोगों का स्तूप होता है, और बहुत शांति, और क्या बोले। और फिर हम लोग अपने टमटम पे आ गए और वहाँ से निकलेंगे लोग,
सवारी सच को वहाँ पे ना है बोलते वहीं से हम लोग निकल जाते हैं ऐसा बात चले ठीक है। और ये जापानीज टेम्पल है इंडोसन निपोंजी जापानीज टेम्पल। अभी तक मेरे को दो तीन बुद्धिस्ट दिखे बट यार कोई ऐसा फॉरेनर नहीं दिखा जो मतलब अभी देखो सामने से एक आ रहे हैं फॉरेनर नहीं दिखे जो घूमने के लिए आए हैं। और ये सब स्तूप है यस। और ये आगे ना आगे रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट है सब यहाँ का रेस्टोरेंट इसी टाइप का है होटल वगैरह। और ये जापानीज मंदिर जापानीज टेम्पल अभी विजिट किए और रिकॉर्डिंग हमको लगा कि रिकॉर्डिंग हो रहा है बट शायद रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था और तो फिर ध्यान दिया तो रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था शायद ये पीछे वाला भी सीन आया है कि नहीं वो बेल घंटा टाइप का है और बूदार जुगापुरन यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा हिंदी में भी लिखा है फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। नज़ारा जो है ना एकदम टॉप क्लास का है आप लोग देख ही रहे हो अगर हम अच्छे क्लास के ब्लॉगर होते तो इतना मतलब बस इसमें म्यूजिक या फिर साउंड जो हो ना जैसे बोलने का तरीका वरीका अच्छा हो तो भाई हम लोगों का तो अच्छा खासा व्यू मिल जाएगा ये हमको पता है बट शायद मेरा नहीं मिलेगा क्योंकि हम लो कैटेगरी के ब्लॉगर हैं। वहाँ पे वो भूटान का मंदिर है और यहाँ पे ये जापानीज मंदिर और यहाँ से फिर एग्जिट है और हम लोगों का जो टमटम है उस पर बैठेंगे फिर अभी ये शायद चार जगह हम लोग घूम लिए अभी और चार जगह घूमेंगे फिर उसके बाद महाबोधि मंदिर में जाएंगे। ओ भाई लुक एट दिस 80 फुट का ये भगवान बुद्ध का मंदिर है। अब आ रहा है यहाँ पे मजा हमको तो मतलब स्टार्टिंग में आए थे बोध गया तो हमको लगा कि यार वहाँ से इतना खर्चा करके राजगीर से आ गए और क्या घूमना है कुछ पता ही नहीं बट यू कैन सी अभी चार टेंपल घूमे हैं लोग जापानी मंदिर भूटान मंदिर बांग्लादेश और चाइनीज मंदिर था वो चार घूमे हैं और ये पाँचवा है भगवान बुद्ध का 80 फुट का प्रतिमा है। बाकी चारों बुद्धिस्ट और इधर चारों बुद्धिस्ट यहाँ पे हम सब लोग मिलके पिक्चर खिंचवाए और ये बुद्धिस्ट क्या मॉन्क हैं लोग भगवान बुद्ध की प्रतिमा 80 फीट की है यहाँ पे पीछे हम लोग भी सोचे एक चक्कर लगा लिया जाए आए हुए हैं तो और पिक्चर भी क्लिक हो गया ब्लॉग भी बन गया शायद Thank you.
ये कौन सा मंदिर था? कर्मा ताराज्य चारकोलिंग कृपा। अब भाई लैंग्वेज में डिफरेंस दिख रहा है, शायद इंडिया के ही लोग हैं बट दूसरे दूसरे। अब जानते हुए इंडिया में भी कितने सारे वेरिएशन है, कितने सारा लैंग्वेज में वेरिएशन आता है और हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये लोग क्या क्या बोल रहे हैं। एक फोटो क्लिक करो। अरे यार ये कितना मस्त लग रहा है। बांग्लादेश बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री पे अभी आए हैं लोग, अंदर सीन है। सबसे पहले यू कैन सी चाइनीज टेम्पल के पास अभी हम लोग आए हुए हैं। ब्रो हम नहीं जानते थे कि गया में इतने सारे मंदिर हैं। एक वहाँ बांग्लादेश बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री था और ये चाइनीज मंदिर है, पता नहीं हमको तो भाई कौन कौन से भगवान है, बट भगवान बुद्ध है हर जगह ये तो है। और ये देखो ये है स्तूप। ऊपर जाने का रास्ता यहाँ से। ये चाइनीज मंदिर में तीन भगवान बुद्ध हैं या फिर और कोई बुद्धिस्ट है? भगवान बुद्ध ना है। ये चाइनीज में कुछ लिखा हुआ है, ये चाइनीज मंदिर है ही। यार हमको सच बताए तो कोई आइडिया नहीं कि हम कहाँ घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं। और एक महाबोधि मंदिर है वहाँ पे घूमना है क्योंकि वो सबसे फेमस है यहाँ का, और ब्लॉग में थंबनेल में भी वही रहेगा। ब्रो हमारी बैटरी भी और हमारी एनर्जी सब दोनों खत्म हो गया। अब फिर जगन्नाथ मंदिर है, ये लोग अगर जाएंगे तो हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे हम लोग। ये देखिए महाबोधि मंदिर है, इसके साइड में हम लोग पूजा घूम लिए, पता नहीं चला क्यों। छोड़ो हटो। ये महाबोधि मंदिर है जो अभी हम लोग घूम के आए हैं, बट वहाँ पे कैमरा मोबाइल बैग कुछ भी नहीं गया क्योंकि उसमें बहुत सारा। ये चलो हम लोग घूम के आए श्री जगन्नाथ मंदिर। और यह जगन्नाथ मंदिर का मेन वहाँ पे साइड वाला, वहाँ से चला जाएगा। यह जगन्नाथ गया काशी, और वहाँ से महाबोधि मंदिर भी दिख रहा है। वहाँ पे कैमरा वगैरह कोई कुछ भी अलाउ नहीं था, और यहाँ से सीन यार शाम का है तो बहुत अच्छा आ रहा है। और क्या कह सकते हैं, और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है यहाँ पे। पूरा हम लोग का ट्रिप समाप्त हो चुका है और हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे सीधे पटना, और पटना से उसके बाद आरा। और पूरा मतलब थक भी चुके हैं, तीन दिन से लगातार इधर से उधर घूम रहे हैं, तो अब एक दिन का ब्रेक रहेगा घर से। जो हम लोगों का राजगीर का, नालंदा का और यहाँ गया का ट्रिप पूरा पूरा हो चुका है। और आप लोगों को अगर ये पूरा वीडियो जो राजगीर ट्रिप में सारा वीडियो राजगीर के प्ले लिस्ट में जाएगा, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो ब्रो मेरा चैनल कम से कम यार एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो कर दो। अब मिलते हैं अगले ट्रिप पे, तब तक के बाय बाय।